नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बताएंगे दोस्तों कि कैसे हम एक ही व्हाट्सएप पे 2-3 RDs चला सकते हैं। चलिए दोस्तों बताते हैं आपको। तो आपको व्हाट्सएप ओपन कर लेना है दोस्तों। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सेटिंग 3 डॉट का ऑप्शन मिलता है, 3 डॉट पर क्लिक कर देना है और सेटिंग पे चले जाना है। जैसे आप सेटिंग पे जाएंगे दोस्तों तो इस तरह से कुछ ऑप्शन खुल जाता है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये हमारा लोगो दिख रहा होगा, आपका मोबाइल नंबर दिख रहा होगा और यहाँ पे बैक आ जाना है। तो अगर हमको वो एक हमारा नंबर दूसरा नंबर करना है तो यहाँ पे ये QR स्कैन वाला होता है। अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे साइड में एक और है, ऐड अकाउंट का ऑप्शन आ जाता है। तो ऐड अकाउंट पे जैसे दोस्तों आप क्लिक करेंगे दोस्तों थोड़ा एक प्रोसेस होगा, इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश करना चाहते हैं तो इंग्लिश, नहीं तो यहाँ पे लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे एग्री क्लिक कर देंगे, जैसे आप एग्री क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आ जाता है दोस्तों। यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है, आप मोबाइल नंबर डाल देने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे करेंगे दोस्तों तो यहाँ थोड़ी देर प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद यहाँ पे स्विच का ऑप्शन आ रहा है, देख पा रहे होंगे। अगर आपको एडिट करना है तो एडिट कर दीजिए, नहीं तो स्विच पे करेंगे। जैसे आप स्विच पे करेंगे योर फोन को कंटिन्यू पे कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पे करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे इस तरह से प्रोसेस करेगा। थोड़ी देर प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली वेरीफाई होगा, इस तरह से कॉल आएगा और ये कट हो जाएगा। यहाँ पे देख पा रहे होंगे वेरीफाई हो चुका है और यहाँ पे हमारा लुकिंग फॉर वर्कर है। यहाँ पे स्किप कर देना है या तो आप गिव परमिशन पे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ नाम वगैरह डाल सकते हैं, नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे आप स्किप भी कर सकते हैं और कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी देर और प्रोसेस करेगा, ऐड वगैरह हो जाएगा। तो यहाँ पे देख पा होंगे कि हमारे ये दूसरा ऑप्शन चालू हो गया, यहाँ पे दूसरा अकाउंट चालू हो गया। तो यहाँ पे अगर आपको फिर से वही अकाउंट चालू करना है तो यहाँ पे आपको फिर जो क्लिक करके और ये स्विच अकाउंट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप स्विच अकाउंट क्लिक करेंगे दोस्तों तो हमारा पुराना वाला व्हाट्सएप चालू हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरह से आप व्हाट्सएप पे 2 अकाउंट चला सकते हैं या 2 से अधिक अकाउंट चला सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको पता चल गया होगा किस तरह से करना है। तो वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मिलता है अगली वीडियो में। तब ये चेंज वंदे मातरम।